हेलो स्टूडेंट, बायोलॉजी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली बायोलॉजी क्लास में हम नर युगम कोद्भिद के विकास की बात कर रहे थे, तो आज हम बात करेंगे मादा युगम कोद्भिद का विकास किस प्रकार से होगा, यानी हम जायांग की संरचना की बात करेंगे। जायांग अर्थात इसकी इकाई को कहते हैं स्त्रीकेसर। साथ ही हम बात करेंगे मादा युगम कोद्भिद यानी भ्रूणकोष। या बीजांग की संरचना की बात करेंगे। मादा युगम कोद्भिद का विकास किस प्रकार से होगा इस क्लास में हम बात करेंगे। सबसे पहले आपने 11th क्लास में भी जायांग स्त्रीकेसर की संरचना के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि स्त्रीकेसर क्या है, यानी यह पुष्प का मादा जननांग होता है। मादा जननांग है अर्थात जायांग पुष्प का मादा जननांग होता है, जिसकी इकाई स्त्रीकेसर कहलाती है। स्त्रीकेसर की संरचना में तीन भाग होते हैं, जिसका अध्ययन आप 11th क्लास में कर चुके हैं। तीन भाग होते हैं, ये एक जायांग है और इस जायांग की संरचना में तीन भाग हैं। नंबर एक वर्तिकाग्र स्टिग्मा बोलते हैं। स्टिग्मा अर्थात यह जायांग का ऊपर का चौड़ा भाग है, जो पराग कणों को क्या करता है, ग्रहण करता है, जिसे वर्तिकाग्र बोलते हैं। ये वर्तिका है अर्थात ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का भाग वर्तिका बोलते हैं, टाइल, जिससे पराग कण के अंकुरण के समय पराग नलिका होकर गुजरेगी और ये अंडाशय है और इसी अंडाशय में ये अंडा जिसमें बीजांड है, ये अंडाशय है, अंडाशय ओवरी अर्थात जायांग के नीचे का फूला भाग होता है जो अंडाशय कहलाता है, और इसी अंडाशय के अंदर ये बीजांड है अर्थात जिसे बोलते हैं गुरु बीजाणुधानी, जिसे एक प्रकार से गुरु बीजाणुधानी बोलते हैं। गुरु बीजाणुधानी अर्थात जिसके हम बात करने जा रहे हैं, ये बीजांड की संरचना क्या होगी, क्योंकि जायांग के बारे में अध्ययन किया है, उसके बाद में बीजांड और उसी बीजांड में क्या होगा, भ्रूणकोष, जिसके हम बात करेंगे, और यही मादा युगम कोद्भिद है। इस मादा युगम कोद्भिद का निर्माण किस प्रकार से होगा कि जब जायांग में एक अंडप होता है तो उसे एक अंडपी बोलते हैं। एक अंडपी जैसे मटर चना आदि होता है, एक अंडपी होता है। जब एक से अधिक अंडप हो, यदि दो हो तो द्विअंडपी, तीन हो तो त्रिअंडपी, अधिक हो तो बहुअंडपी बोलेंगे, बहुअंडपी। और यदि बहुअंडपी जायांग में अंडप आपस में क्या हो, जुड़े हो, तो उसे कहा जाता है युक्तांडपी, उसे बोलेंगे युक्तांडपी बोलते हैं। जैसे पेपावर है, अफीम है, पेपावर, इसी प्रकार से जिसे बोलेंगे टमाटर है, गुड़ल है, इसमें कैसा अंडाशय होता है, युक्तांडपी। और यदि बहुअंडपी जायांग के अंदर अंडप अलग अलग हो तो उसे कहा जाता है वियुक्तांडपी, वियुक्तांडपी बोलेंगे। और इसका उदाहरण एक प्रकार से जिसे बोलते हैं माइचेलिया, गुलाब है, माइचेलिया से बोलते हैं चंपा, में कैसा पाया जाता है, वियुक्तांडपी जायांग पाया जाता है। अंडप क्या होते हैं, अलग अलग, गुलाब है, इसके अंदर एक प्रकार से युक्तांडपी पाया जाता है। तो ये जायांग की सामान्य संरचना है जिसके हम बात कर रहे थे। तो अब हम बात करेंगे बीजांड या गुरु बीजाणुधानी की संरचना। बीजांड या गुरु बीजाणुधानी की संरचना की बात करेंगे। बीजांड क्या है, बीजांड
या गुरु बीजाणुधारी, मेगास्पोरेंजियम। बीजाणु एक सहवर्ण छोटी संरचना है जिसकी संरचना में निम्न भाग होते हैं, ये एक बीजाणु है, ये एक बीजाणु की संरचना है और इसके अंदर ये म्यूकस जिसमें तीन ऊपर कोशिकाएं हैं और तीन कोशिकाएं नीचे हैं और ये एक केंद्रीय कोशिका है। तो हम बात करते हैं इसकी संरचना की। सबसे पहले ये बीजाणु ग्रंथ। बीजाणु ग्रंथ क्या है कि बीजाणु एक सहवर्ण छोटी संरचना से बीजाणुसन से जुड़ता है जिसे बीजाणु ग्रंथ बोलते हैं, जिसे बीजाणु ग्रंथ के नाम से जानते हैं। ये है हाइलम, नाभिका। हाइलम क्या है कि बीजाणु ग्रंथ बीजाणु से जिस स्थान पर जुड़ता है, उसे हाइलम या नाभिका बोलते हैं। कि नाभिका है कि बीजाणु ग्रंथ जिस स्थान से बीजाणु से क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। उसके बाद में अध्यावरण है, इंट्यूमेंट। बीजाणु के आवरण को अध्यावरण कहा जाता है कि बीजाणु का आवरण है, इसे अध्यावरण बोलते हैं। अध्यावरण के दो प्रकार होते हैं, बाहरी अध्यावरण, अंत अध्यावरण। अधिकांश पात्र में अध्यावरण के दो प्रकार पाए जाते हैं, एक बाह्य अध्यावरण, एक अंत अध्यावरण। अर्थात कुछ पादप है अरंडी या लीची है, अरंडी है लीची है, इसमें कितने अध्यावरण पाए जाते हैं, तीन पाए जाते हैं। बाकी अध्यावरण के कितने प्रकार होते हैं, दो, बाह्य अध्यावरण, अंत अध्यावरण। इसके बाद में है माइक्रोपाइल, बीजाणु द्वार। बीजाणु द्वार क्या है, यानी अध्यावरण बीजाणु को चारों ओर से घेरा होता है लेकिन शीर्ष भाग पर अध्यावरण नहीं पाया जाता है, जिसे बीजाणु द्वार बोलते हैं। अर्थात इसी बीजाणु द्वार से पराग नलिका गुण कोश में अंदर प्रवेश करते हैं, अर्थात बीजाणु में अंदर प्रवेश करेगी। पराग नलिका इधर से होकर प्रवेश करेगी, ये पराग नलिका की एंट्री होगी, अर्थात किधर से, मुख्य रूप से बीजाणु द्वार से होगी। ये निभाग है, निभाग कैलाश। निभाग क्या है, बीजाणु द्वार के ठीक विपरीत भाग को निभाग बोलते हैं, अर्थात यह बीजाणु के आधारी भाग का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे बोलते हैं निभाग। इसके बाद में बीजांडकाय। बीजांडकाय क्या है, न्यूक्लियस, अर्थात ये बीजांडकाय है। अध्यारण से गिरा हुआ बीजांड का संपूर्ण मृदुत की भाग होता है, बीजांडकाय बोलते हैं। और इसी में ये भ्रूणकोश एम्ब्रियोसैक है, ये बीजांडकाय है, अर्थात जिसमें भ्रूणकोश स्थित होता है, ये भ्रूणकोश एम्ब्रियोसैक। ये है मादा युग्म कोशविद, यही एक मादा युग्म कोशविद है, ध्यान रहे, जिसकी हम बात करने जा रहे हैं कि मादा युग्म कोशविद है, भ्रूणकोश है। भ्रूणकोश क्या है, बीजाणु में स्थित सात कोशिकाएं, एक, तीन ये हैं, छह होगी और एक बीच में है। सात कोश का केंद्र कितने, आठ, कि यहाँ पर कितने केंद्रक हैं, दो, सभी में कितने केंद्रक हैं, तीन, एक एक, तो यहाँ पर केंद्रक कितने हो गए, आठ हो गए और कोशिका कितनी होगी, सात होगी। तो हम कह सकते हैं बीजाणुकाय में स्थित एक थैलेनुमा संरचना जिसमें सात कोशिका और आठ केंद्रक पाए जाते हैं, उसे भ्रूणकोश बोलते हैं। याद रखें यही एक मादा युग्म कोशविद है, जिसमें इस भ्रूणकोश में ऊपर की ओर जो तीन कोशिकाएं हैं इन्हें कहा जाता है प्रतिमुखी कोशिका, जिसकी बात हम आगे करेंगे डिटेल से। ये प्रतिमुखी कोशिका एंटीबॉडल सेल है और ये केंद्रीय कोशिका है, अर्थात ये नीचे अंड समुच्चय है जिसमें एक प्रकार से ये अंड कोशिका है और ये दो कौन सी कोशिकाएं, सहायक कोशिका, अर्थात यही अंड है, ये मादा युग्मक है। अतः ये भ्रूणकोश एक क्या है,
मादा युग्म कोदविद है, जिसके बारे में इसका विकास कैसे होगा ये बात हम आगे करेंगे। यहाँ आपको भ्रूणकोश दिखाया गया है, लेकिन इस भ्रूणकोश का निर्माण कैसे होगा ये आगे की क्लास में देखेंगे। ये बनेगा कैसे, क्योंकि आगे अभी गुरु बीजाणु जनन होगा, और उस गुरु बीजाणु जनन से आगे क्या बनेगा, ये भ्रूणकोश बनेगा, अर्थात मादा युग्म कोदविद का क्या होगा, निर्माण होगा, ये हम अगली क्लास में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।